दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोटियां सेकने पर क्यों फूल जाती है? यदि नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं। चपाती बनाने के लिए प्रारंभ में जब पानी की सहायता से आटा गूंथा जाता है, तब गेहूं में उपस्थित प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती है, जिसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं। लासा की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, इसी कारण आटा गूंथने के बाद फूला रहता है। चपाती को सेकने पर लासा में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है और चपाती के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उसकी पपड़ी सी बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सेकने पर चपाती के दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती है। इन दो पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप चपाती की दो अलग अलग परतें बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए आटे में लासा की उपस्थिति आवश्यक है। गेहूँ की चपाती खूब फूलती है, परंतु जो बाजरा मक्का आदि की चपाती नहीं फूलती या कम फूलती है तथा इसमें परती भी नहीं बनती, क्योंकि इन अनाजों में लासा की कमी होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।